Hey guys, what's up? Welcome back to our vlogging channel. आज है एकदम नया दिन और आज मैंने सोचा है कि आज मैं शुरुआत करूंगा और पूरे दिन भर दिखाऊंगा what we eat in a day. मतलब not specifically me, but Swapnil, Dad, everybody. क्योंकि ये एक family channel है तो इस पे सब कुछ मेरे बारे में नहीं होने वाला है, पूरी family के बारे में होने वाला है. तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग अभी जस्ट सो के उठे हैं क्योंकि कल रात को काश को सुलाते सुलाते काफ़ी लेट हो गया था और आज से मुझे जिम भी जाना था बट मैं नहीं जा पाया, तो अभी मैं शायद दोपहर में जाऊंगा. सो यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अभी मैं सो के उठा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने कुछ भी नहीं पिया है, कुछ भी नहीं खाया है. तो अभी मैं पूरे 2 ग्लास पानी पीने वाला हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग सुपर थर्स्टी. सुबह सुबह में ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. एंड यहाँ पे एकाक्ष दादू के साथ खेल रहा है. तो उसमें अराउंड 1/2 लीटर पानी है तो मैं इसको पूरा पी जाऊंगा धीरे धीरे. सो गाइस, मैंने पानी पी लिया है, अब बारी है ब्रेकफास्ट बनाने की. तो ब्रेकफास्ट में मेरे पास आज एक एवोकाडो पड़ा है जो कि मैंने 4-5 दिन पहले ऑर्डर किया था, बड़ी पूरी तरह से टाइट था, मतलब कि ये राइप नहीं था. तो मैंने इसको बनाना के साथ रख दिया था 2-3 दिन से, तो ये थोड़ा बहुत हो चुका है बट आज मुझे इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये ख़राब हो जाएगा. सो लेट्स डू दैट. एवोकाडो पूरी तरह से मैंने निकाल लिया है और 80% तो ये राइप है बट इसका जो बीज है ना वो अटक गया है इसमें, तो मुझे इसको निकालना होगा. सो गाइस, यहाँ पे स्वप्निल भी सो के आ गई है. क्या करने वाले हैं आज हम लोग स्वप्निल? आज हम बनाएंगे बहुत सारा नाश्ता. नहीं, आज की वीडियो का टॉपिक क्या है, एजेंडा क्या है? कल बताया था ना रात में व्हाट आई ईट इन अ डे. व्हाट आई ईट इन अ डे? व्हाट वी ईट इन अ डे. गुड, बेटर. खौफ में रखते हैं इनको, ये ना इतनी ज्यादा लेजी हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता. मतलब कि मैंने बताया हुआ था कि आज हम लोग शूट करने वाले हैं और सुबह उठ के शी इज रिएक्टिंग लाइक क्या क्या करने वाले हैं आज, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जैसे कि इनको कुछ बताया ही नहीं गया है जबकि सब कुछ बताया जाता है. तो अभी हम बनाने वाले हैं एवोकाडो टोस्ट जिसमें हम एवोकाडो डालेंगे ऑफ कोर्स एंड ब्रेड, एंड इसके अंदर मैं डालूंगा रेड चिली, थोड़ा सा सॉल्ट, टमाटर, प्याज और नींबू. बस इसको हम लोग मिक्स करके ब्रेड को सेक करके उसके ऊपर लगा के खाएंगे. बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है ये. और स्वप्निल बिल्कुल अलग ब्रेकफास्ट करने वाली है. व्हाट इज दिस? सोक्ड ओट्स और चिया सीड्स. ये किसने बनाई है रेसिपी? ये मैंने खुद डेवलप करी. अच्छा, ये मैंने इसको खिलाया था जब ये फतेहपुर से आई थी और ये इतनी ज़्यादा इसकी दीवानी हो गई कि रोज मुझसे बनवाती है. सो गाइस, एवोकाडो जो है वो थोड़ा सा अभी कच्चा है तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ब्लेंड करने वाला हूँ. तो उसके अंदर मैंने नमक और रेड चिली डाल दिया और एक नींबू डाल रहा हूँ मैं. सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग, पूरी तरह से अच्छे से ब्लेंड हो गया है. अब इसको ना ब्रेड पे स्प्रेड करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा. लंच में आज बन रहा है कढ़ी और ग्वार की फली जो कि इसमें उबल रही है. मैं आपको दिखाता हूँ जैसे बनती है. तो और स्वप्न यहाँ पे चाय की तैयारी कर रही है. सो हमारा नाश्ता यहाँ पे आ चुका है, चाय, एवोकाडो टोस्ट और स्वप्न ने यहाँ पे ऑलरेडी ओट्स खा रही है 2-2 चम्मच से. कैसा बना ये? स्वप्निल कर रही है टेस्ट.
कैसा है? अच्छा है? ये काक्ष को भी चाहिए क्या? और अब बन रही है यहाँ पे ग्वार की फली। और कड़ी उबल रही है इस तरफ। भीख मारिश करने की वजह से मेरी चाय ठंडी हो गई है, तो मैं उसको गर्म करने जा रही हूँ। सो गाइस, कल यहाँ पे शूट किया था हम लोगों ने, और देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है घर की। हर जगह बस सामान ही सामान है, तो अब बस मुझे इसको पूरा अच्छे से क्लीन भी करना है। सो गाइस, कल मैंने यहाँ पे अपने जो मेन चैनल है अंकी टीवी, उसके लिए कुछ वीडियो शूट करे थे, और मेरे साथ एक और गेस्ट है जिन्होंने अपने चैनल के लिए भी वीडियो शूट करे हैं, और वो गेस्ट है स्वप्निल। कल मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई किया था, दो वीडियो शूट करे, मुझे नहीं लगता, पता नहीं कौन सा जाएगा कौन सा नहीं जाएगा, बट पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा अजीब एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं मिशन को डांट देती थी कि तुम कैसे थक जाते हो, कैसे थक जाते हो। कल मुझे खुद रियलाइज हुआ कि वीडियो बनाने के बाद आदमी कैसे थकता है, मैं तो ऐसा सोई हूँ कि मैं उठ भी नहीं पाई। तो अभी एक्चुअली इसका नया चैनल शुरू होने वाला है स्वप्निल गुप्ता से, तो उसमें शी विल बी पोस्टिंग अ लॉट ऑफ हॉल्स एंड एवरीथिंग, जो भी उसका पर्सपेक्टिव है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा पुश किया है कि प्लीज़ स्टार्ट करो अपना चैनल, क्योंकि यू शुड हैव योर ओन आइडेंटिटी। तो यस, अब फटाफट से इन सारे मेस को क्लीन करते हैं, लेट्स डू इट। सो गाइस, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैंने अब तक नहाया भी नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम करने में लगा हुआ था। एंड यहाँ पे स्वप्निल भी बेबी की बॉटल धोने में लगी हुई है, एंड मुझे एक्चुअली भूख लग गई है, क्योंकि मैंने सिर्फ दो ब्रेड खाई थी टेक्निकली देखा जाए तो आई एम फीलिंग लिटिल हंग्री। तो अभी मैं जो खाना बना हुआ है ना, वो मैं खाने जा रहा हूँ। ये है कल की मशरूम मटर, जो कि मैंने खाई नहीं थी, तो मेरे लिए थोड़ी सी बची हुई है, मैं पूरी तो नहीं खाऊँगा, थोड़ी सी खाऊँगा। और कल हमारे यहाँ छोले भी बने थे सुबह, तो वो भी ज़रा से बचे हैं, सो आई विल टेक लिटिल बिट। एंड आज जैसा कि आपको पता है कि कढ़ी बनी थी, तो ये कढ़ी है वो, और साथ में ग्वार की फली बनी थी, तो ये वो है, एंड लिटिल बिट ऑफ सैलेड, तो मैं ये भी खाऊंगा थोड़ा सा। सो दिस इज़ व्हाट माय थाली लुक्स लाइक, कढ़ी, मशरूम मटर, ग्वार की फली, दो रोटी एंड थोड़ा सा सैलेड, लेट्स हैव दैट। अभी बज रहे हैं शाम के 4, और आज बन रहा है मारवाड़ी स्टाइल में पराठा, और जिसमें आपको दिखा देती हूँ क्या बन रहा है। तो यहाँ पर बन रही है लहसुन की चटनी, तो ये लहसुन रोस्ट कर लिए गए हैं पहले, और इसमें है लाल मिर्च भीगी हुई, हरी मिर्च, नमक और अमचूर, और ये है कलौंजी और सफ़ेद तिल, और जो इसके अंदर फिलिंग बनेंगी वो है ये आलू भुजिया, धनिया है और प्याज है, बस हरी मिर्ची है, ये सब मिला के इसके अंदर जाएगा, और ऊपर से ये लगेगा, और जैसे पिज़्ज़ा में सॉस लगती है वैसे ये वाली ग्रीन चटनी अंदर लगेगी। साथ ही साथ बन रही है एक हरी चटनी और, जो स्वीट पोटैटो के साथ खाई जाएगी। स्वीट पोटैटो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर वो करवा लिए हैं, बॉयल हो गए हैं। यहाँ पे बोवा और बोवा के डैडी रोम अराउंड कर रहे हैं, और अभी बनेगी चाय। यहाँ पर एक है जो उसको खिला रही है सरिता। ये बन चुकी है लहसुन की चटनी, तैयार हो गई। बन रही चाय, और यहाँ पे पराठा बन चुका है, ये काफी ज्यादा यम्मी लग रहा है।